पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कांग्रेस नेता राणा राहुल सिंह के नेतृत्व में आरटीओ तिराहे से अपने दल बल के साथ तिरंगा यात्रा निकाले, जिसके संबंध में कांग्रेस नेता राणा राहुल सिंह ने बताया कि पुरानी पेंशन के बहाली को लेकर यह तिरंगा यात्रा नौजवानों की तिरंगा यात्रा है। नौजवानों ने यह प्रण लिया है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी, पुरानी पेंशन के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन एक बड़े पुत्र की तरह होता है। पेंशन पाने वाले व्यक्ति और बिना पेंशन पाने वाले व्यक्ति में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर कोई सांसद विधायक पेंशन पा सकता है जो 30 से 35 साल तक सरकारी काम में समय देता है, उसको पेंशन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह यात्रा हरिओम नगर कचहरी चौक इंद्राबाल बिहार गोल घर होते हुए वापस आरटीओ पर समाप्त हुआ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस नेता राणा राहुल सिंह ने कहा, यह गैर दली बिना किसी दल के ये आम जनमानस गोरखपुर के नौजवानों की तिरंगा यात्रा है पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर। एक इस बड़ी मुहिम को आज से गोरखपुर के नौजवानों ने यह बीड़ा उठाया है कि जब तक यह पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी, अनवरत पुरानी पेंशन के मुद्दों पे हम लड़ाई लड़ेंगे। आज इसकी शुरुआत हुई है, इसके स्वरूप और आगे बदलेगा, इसके और भी तरीकों से इसका प्रदर्शन किया जाएगा। तिरंगा यात्रा गांधीवादी तरीके से शांति तरीके से आज हम अपनी बात, हो सकता है कि जिनको यह पुरानी पेंशन लागू करना उन तक न जानकारी हो, आज हमने एक माध्यम से उनको सूचित किया है कि पुरानी पेंशन इस समय प्रथम पुत्र पहले लड़के की तरह, जो आदमी रिटायर होता है पुरानी पेंशन प्रथम पुत्र की तरह होता है। पुरानी पेंशन जिसके घर में आती है, आज आप जिस भी जो लोग भी पेंशन भोगी हैं उनके उनको और जो पेंशन भोगी नहीं है रिटायरमेंट के बाद, उनमें जमीन और आसमान का फर्क रहता है। अगर कोई एमपी, कोई सांसद, कोई विधायक पेंशन पा सकता है तो जो 30 साल 32 साल 35 साल अपनी जीवन का महत्वपूर्ण समय देता है उसको पेंशन क्यों नहीं। पुरानी पेंशन को लेके ये आज हम लोगों ने मुहिम छेड़ी है और जैसे जैसे आगे जरूरत पड़ेगी पुरानी पेंशन हम लेकर रहेंगे, जिएंगे या मरेंगे पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। भारत माता की जय। भारत विरोधी जी किन रास्तों से निकाली गई है? आज गोलघर के सभी प्रमुख चौराहों पे सभी प्रमुख हस्तियों को माल्यार्पण करके ये हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले हैं।